असलम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस लेकिन इससे पहले हम शुरू करें आज इंटरनेशनल लेबर डे है और ये क्यों मनाया जाता है कि जो मजदूर हैं दुनिया में उनको एक खराज तहसीन पेश किया जाता है ये शुरू हुआ था अट्ठारह सौ छियासी में एक शिकागो अफेयर के अंदर और फिर वहाँ से चलते रहे कई मुल्क से कई मुल्क जो हैं दुनिया में वो मे फर्स्ट को नहीं मनाते लेकिन जनरली जहाँ आप कहें कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर मे द फर्स्ट और ये पब्लिक हॉलिडे भी होता है इस पर हम बात करेंगे लेकिन साथ साथ एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर शबाज शरीफ ये अब आज आ जाएंगे यू के दौरे से एक आठ बिलियन डॉलर का पैकेज मिल गया पाकिस्तान को बहुत अच्छी खबर है ये और अब मफ्ता इसमाल जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं मिनिस्टर हैं जो भी वो अब वहाँ हैं और इसकी मोडलिटीज़ को फाइनलाइज़ करेंगे सो दिस इज़ अ गुड स्टेप फॉर पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त काफ़ी क्राइसिस में हम इकनॉमिकली उसके अलावा ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर अब नए आए हैं इन पर भी काफ़ी एक कॉन्ट्रवर्सी uh, फिर शुरू होगी ओथ ले लिया हर चीज़ होगी कॉन्ट्रवर्सी फिर अब ओथ आगे कौन लेगा कैबिनेट का ये भी एक नया मरहला आपके सामने एक नज़र आएगा ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें चलो ये तो सियासी डिफरेंसेस जो मर्जी हो जाएँ होंगे होते रहेंगे लेकिन इसमें आवाम को कितना नुकसान होगा बिकॉज एट द मोमेंट पंजाब गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल ये हम पहले पार्ट में उसमें बात करेंगे और uh, एक और जो चीज़ है कि कोई भी गवर्नमेंट जब आती है अपना टेन्यर पूरा करती है और जो जो, जो जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं घर होते हैं ये आप उनको वापस कर देते हैं आज ये नहीं हो रहा है देखो हमने बात करनी है जो सच्ची बात है आप बुखारी साहब मुझे पहले तो लेबर डे पे ज़रा रोशनी डालें ना जी जी बहुत शुक्रिया आपका आपने बता तो दिया है बेसिकली कि क्या हुआ था शिकागो में एटीन एटी सिक्स जी आप तो वो मज़दूर जो है वो अपने हक़ हाँ के लिए जमा थे लेकिन फिर उसके ऊपर जो कारनेज हुआ जिस तरीके से गोलियाँ चलाई गई उनके ऊपर ये एक आलमी दिन जो है ये इस एतबार से मनाया जाता है कि मज़दूर चाहे अमरीका है अमरीका का हो चाहे पाकिस्तान का हो मज़दूर एक कम्यूनिटी है उसे आप इंटरनेशनल कम्यूनिटी अगर ट्रीट कर लें तो फिर आपको योम मई बड़ी आसानी से और जल्दी समझ आ जाएगा मुल्क चाहे बड़ा हो मुल्क चाहे सुपर पावर हो मुल्क चाहे छोटा हो तरक्की पजीर हो तरक्की याफ़्ता हो उनमें मज़दूर के हालात जो हैं वो ऑलमोस्ट एक से हैं और यही वजह है कि एक यूनिटी है अमंग ऑल द लेबरर्स सो इट्स इट्स बेसिकली लेबर डे हम उसको यम मज़दूर कह लेते हैं यम वहीं कह लेते हैं छुट्टी हमारे भी यहाँ से आठ घंटे का बुखारी आठ घंटे का टाइम है ये जो ग़ुलामी का दौर है उसमें तो 24 घंटे मुशक्कत ली जाती थी कई कई दिनों तक ये मज़दूर के और जो काम के औकात हैं ये आठ घंटे पर लाने का सहरा भी मेरा ख्याल है उन्हीं शहीदों के नाम है जिन्होंने अपनी वहाँ पर जान दी थी आज भी जो भी हुकूमत हो चाहे इमरान ख़ान साहब की हो भुट्टो साहब की हो या आज शहबाज शरीफ साहब की है मज़दूरों के दिन अगर नहीं बदलेंगे तो कोई मुल्क सही मानों में तरक्की नहीं कर सकता इसके बारे में तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए ये वो लॉट है ये अगर खुशहाल होगी तो दुनिया भर में पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क समझा जाएगा सो इस हुकूमत से भी दरख्वास्त है और वो जो निजी अदारे हैं जहाँ पर लोग मुलाजम हैं उनके मालकान से भी गुजारिश है कि मज़दूरों की तरफ़ देखिए उनकी अच्छाई उनकी बेहतरी उनकी वेलफेयर से आपके अदारे तरक्की करेंगे इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती बिल्कुल सही कहा बहुत अच्छी बातें की हैं बुहारी साहब ने और आपने पाकिस्तान के अंदर एक टेक्सटाइल मिल थी कॉलोनी टेक्सटाइल मिल के नाम से मुल्तान में मुल्तान में ये वाक़ थी बोनस मांग रहे थे मज़दूर और बोनस का मतालबा वो करते थे कि हमारा बोनस दिया जाए उनतीस दिसंबर से उनके अपने मालकान से एक डायलाग नाइनटीन सेवनटी सेवन में शुरू हुआ ज्याकर। दो ज्या दौर था दो जनवरी नाइनटीन सेवेंटी सेवन तक वो मुदाकर चलते रहे मु नाकाम हो गए ये एक बहुत बड़ी मिल मिलती इसकी जो कॉलोनी थी अपना मजदूर ते तेरह हजार तेरह हजार लोग वहां पे रहते थे फायरिंग हुई 133 पीपल वर शॉट डेड एक सौ मजदूरों को गोली मार के शहीद कर दिया गया इस बिना पर कि वो बोनस का मुतालबा कर रहे थे चार सौ से जायद जख्मी हुए मैं शिकागो के मुकाबले में हमेशा पाकिस्तान के इस सहने की बात करता हूँ। ऐसे सहाने कराची में भी हुए कोर्ट पे और ऐसे सहाने लाहौर के कोट लखपत और छदरा के इलाके में भी हुए मैं कहता हूं कि कमस कम से कम तनख्वाह आप हुकूमत वाले ऐलान तो कर देते हो लेकिन जो सरमायादार है जो खरबपति है वो कमस कम से कम तनख्वाह देने को भी तैयार नहीं है और अगर उस कमस कम से कम तनख्वाह के लिए को कोई कोशिश करता है उसको मारा जाता है जूतियां मारी जाती हैं उसको गेट में से दाखिल नहीं होने दिया जाता उसकी डेली वेजिस ली जाती है क्या बातें कर रहे हैं हम लेट मी फिनिश इट दिस इज माय ये मेरा दिन है मैं मजदूर हूं ये मेरा दिन है ना मजदूर को गर्मी से बचाने का कोई तहफ़ है ना सर्दी से बचाने का कोई तहफ़ है ना उनकी बीमारी में उनकी कोई मदद है उनके कारखानों के अंदर आग लग जाए तो बाहर निकलने के लिए रस्ते नहीं हैं अगर वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फौरी तौर के ऊपर उनको मेडिसिन वो प्रोवाइड नहीं की जाती जो में है तो मौजूदा तो से भी है कि बरमानी कुछ नहीं कर सकते तुम सब इकट्ठे हो गए हो तुम सब मिलों के मालक हो तुम सब खरबपति हो तुम सब अरब पति हो खुदा के लिए खरबों अरबों रुपए का जो इन मजदूरों की बिना पे तुम्हें मिलता है इनको इनका हक दो ये मेरा नहीं ये भी तो बताया ना ये जो नंगी तारों के साथ काम करते हैं सेफ्टी इनकी कहा की बात कर कर वर्किंग रिलेशन वर्किंग कंडीशन नहीं है कोई अच्छी 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 नहीं है सर्विस मैं सिर्फ इतनी इजाफा करना चाहता था हम बात कर रहे थे जो मई के हवाले से एक अब से शुरू हुआ था हमारे मुल्क में तो ऐसे सैकड़ों वाक़त हैं जहाँ पर मज़दूरों की हालत जो है बल्दिया कराची का आप वाक़ देख रहे हैं जहाँ आग लगी थी

कोई उसकी कोई हैसियत होगी कोई वैल्यू होगी कोई जस्टिफिकेशन होगी कि यूरोप और अमेरिका तो कम से कम अपने मज़दूर को लेबर को और एम्प्लॉय को वो इज्जत देते हैं कम से कम वो इज्जत देती है उधर की स्टेट देती है जबकि इधर आ जाए तो हमने तो अपने मजदूरों को माशी और माशरती ग़ुलामी में जकड़ा हुआ है छुट्टी दे दी और यही बदकिस्मती है एक तरफ अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी मुजरम हुकूमत है मैं आपको बिल्कुल अभी ताज़ा मिसाल देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और अपनी पहली स्पीच में मजदूर की मिनिमम सैलरी पच्चीस हजार कर दी उससे अगले दिन उन्हीं के फिनंस मिनिस्टर की ट्वीट उठा के देख लें उन्होंने कहा जी कि पच्चीस हजार आपने कैसे कर दी मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट के फोन आ रहे हैं कि जहां आपकी इनपुट कॉस्ट बिजली की कॉस्ट डॉलर की कॉस्ट इन्फ्लेशन कॉस्ट ये इतनी बढ़ती जा रही है अगर हम पच्चीस हजार देंगे तो हम मिलन कैसे चलाएंगे शर्म नहीं, नहीं आती पॉइंट पॉइंट ये नहीं है पच्चीस हजार का पच्चीस हजार की बजाय तीस हजार करें लेकिन आपने अगर इंडस्ट्री को इक्वली चीजें करनी है इक्वली तौर पे आपको उसकी डॉलर के रेट को कंट्रोल करना है ताकि उसकी इनपुट कॉस्ट कंट्रोल रहे आपने उसकी बिजली की कॉस्ट कंट्रोल करना ठीक है देखिए ये सब ये सारी इफ्तार सब मजदूर के साथ रिलेटेड है मजदूर कार मजदूर कारखाने में काम उस वक्त करेगा का जब कारखाना चल तो अगर मिफ्ता सब है का? अगर इस्मा महंगा है सब कुछ गलत है तो इनके पास खरबों खरबो आप कह रहे हैं ना मिफ्ता इस्माइल ने किया है तो सर गरीब दो सौ का घी डेढ़ सौ रुपए का पेट्रोल और उसके बाद खाने पीने के और मेरा, मेरा का सिर्फ कहाँ से करेगा पच्चीस मैं मजदूर को नहीं रखना चाहता मजदूर को इंतहाई जो चीज़ें दी जाती हैं मार्केट से जिस प्राइस में वो खरीदता है उस प्राइस में कोई चीज़ प्योर नहीं मिलती मुझे बताएं ये कसूर किसका है ये भी इस, इस मुल्क का स्टेट का है। है। स्टेट है basically, जो मजदूर के इंटरेस्ट से दो चीजें इंपॉर्टेंट है काम करने का इन्वायरमेंट दिया बिल्कुल सही बात करता है वो ये तो मालिक ने देना सर होता है सुन लेना आज आप विजिट करें फैक्ट्री है मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 90 परसेंट फैक्ट्रीज में ये तमाम फैसिलिटीज मौजूद है दस दस जिसकी तरफ इंतजार मौजूद है उसको हुकूमत के अदारे है ना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पकड़ के जुर्माने जो अरबों रुपया उनको हर जगह बैड होते हैं ना गंदे अंडे होते हैं की एक गरीब आदमी की जिंदगी को आसान कैसे बनाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूरोप में पहले यहाँ भी होता था प्राइस फैक्ट्रियों के अंदर जहाँ उनको सस्ती चीजें मिलती थी जहाँ उनको कंपनी आउटलेट के तौर के ऊपर फिफ्टी परसेंट ज्यादा ये वो चीजें होती थी जो उसके बोझ को कम करती भी भी है।, भी है ये सब कुछ ने नहीं किया ना सब ने नहीं किया दिस इज द्वाइट ये जो हमारी डेन की पेंटें बनती है जो हम बाजार से खरीदते हैं ए, ए, आए चले फिरोजपुर रोड पे मैं दिखाऊं कि मजदूर के साथ क्या होता है मैं, ये, इस डिबेट में मत कहें हम सिर्फ ये कहें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय है, है चाहिए। और वो होने चाहिए और स्टेट इसको इंश्योर हाँ, कर स्टेट इंश्योर करे और ये जो मना कर दिया गया कि लेबर इंस्पेक्टर को इजाजत नहीं है ये ये जर्म है अच्छा खान साहब ये बताया मुझे ठीक है ये डिबेट है बाकी डिबेट नहीं है ये हकीकत है तो डिबेट हकीकत पे होती है ना अच्छा अब बात यह है कि इस वक्त पच्चीस हजार रुपए पे एक इंसान और पांच मेंबर्स ऑफ द पच्चीस हजार दो, दो आदमी घर के तीन आदमी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है देखे रियासत ने चीजों को बैलेंस करना होता है रियासत ने चीजों को इंश्योर करना होता है अगर रियासत आपको पच्चीस हजार दे रही है तो दूसरी तरफ उस पच्चीस जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस पच्चीस हजार में उस बेचारे का फिर किचन भी तो मैनेज हो ना अगर हर महीने चीजें बढ़ती रहेंगी हर महीने उसे बिजली की कीमत डबल देनी पड़ेगी फीसें भी देनी है घर का किराया भी देना ट्रांसपोर्ट भी देना हर चीज मैनेजीस क्योंकि क्यों नहीं होता कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है ना पी साहब बात यह है कि उस पच्चीस हजार को भी तो फिर मैनेज कराना है ना वो रियासत का काम है देखिए इसके ऊपर आखिरी बात फिर मैं वही कहता हूँ कि जिन सोसाइटीज़ की हम बात करते हैं उनमें तो अगर एक मजदूर के पास काम नहीं है तो उसको महीने के पैसे मिल जाने हैं जो खान साहब बात कर रहे थे उसका इजाफा करना चाहता हूँ इनकी पेंटें सिर्फ नारकली में नहीं मिलती पूरे यूरोप में के पूरी यूरोपियन कम्युनिटी में पाकिस्तान के गारमेंट्स की सेवेंटी फोर परसेंट हमारी ट्रेड ले दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान में That's और मैं और ये भी, ये और ये भी।, ये भी, ये भी कर कि जो वाक्य मैंने सुनाया वो जो लाशें थी वो गटर में फेंक दी गई थी वो चलते ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक जो बड़ा अच्छी चीज़ है देखे जो पिछली हुकूमत ने एक चीज कही है कि पहले दस महीने फिस्कल ईयर में उसने रिकॉर्ड आप कह लो कि एफ बी आर ने फंड रेज किए फोर पॉइंट एटी फिफ्टी एट ट्रिलियन इन द फर्स्ट टेन मंथ्स और उसके बाद जो टारगेट था पिछले साल का 4.619 ट्रिलियन ये ये एंड इसका रंड़ों जो है 239 बिलियन अब द क्वेश्चन इज ये रंड़ों तो हमने कर दिया सारा लेकिन इसकी जो गहराई है ये हम डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू डीएनए प्राइम मिनिस्टर को है चैलेंजेस आठ बिलियन का तो पैकेज मिल गया है आपको फिगर्स भी पहले दे दी कि एफ ने क्या फ़िगर्स दिए ये लेकिन चीफ मिनिस्टर के जो चैलेंजेस हैं आप इनको कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों चैलेंजेस देखिए पहली बात तो ये है कि जो पैकेज जिसकी हम बात कर रहे हैं एट बिलियन डॉलर की सऊदी अरब की तरफ से मैं ये समझता हूँ किट्स डिमॉन्स्ट्रेट के उनका इस वक्त जो पाकिस्तान में लीडरशिप है उसके ऊपर कितना इमाद है इसलिए कि पिछली हुकूमत ने तीन बिलियन उनसे लिए थे डॉलर और सिर्फ बैंक में रखने के लिए ये तो रिलीफ पैकेज है तो ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो पुश मिल गई है उनको जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा उनको एडवांटेज मिल गई है उससे जो इकनॉमिक सूरत हाल है मुल्क की बहुत बुरी हालात हैं इसमें कोई दो राय नहीं है जितने मर्जी हम रिकॉल कर लें पिछली हुकूमत के आला काम जो है इसके बावजूद फैक्ट ये है कि आज भी हमारे मुल्क की इकानमी जो है और मज़दूर के हालात और आम आदमी के हालात बहुत ख़राब हैं इसके लिए हमें इस तरह की अगर दोस्त ममालिक से पैकेजेस मिलती हैं ये कोई बैगिंग नहीं है ये बिल्कुल कोई ठूठा नहीं है आप इसको गुडविल कह सकते हैं डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेंगे मैं समझता हूँ कि इट्स ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट और अगर यू भी चूँकि वो खासतौर से एक्सटेंड करके अपने विजिट को गए जो प्लान में नहीं थी अगर वहाँ से भी इस किस्म की इसके इसके करीब कोई पैकेज मिल जाती है तो मैं समझता हूँ जो इमीडिएट चैलेंजेस थे मुफ्ता इस्माइल के उनको रिजॉल्व करने में और सेल करने में मुल्क को आसानी होगी लेकिन खास साहब अब ये जो उन्होंने बात किया आसानी होगी जो पैकेज मिल गया लोड शेडिंग क्राइसिस जो आपके पास इस वक्त आ रहा है इस क्राइसिस को आप कैसे ओवरकम करोगे जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं जो लोग नाहल थे उनको ऊपर एक इंक्वायरी की जाए और उनको सजा दी जाए कि उन्होंने क्यों नहीं गैस इकट्ठी की गैस क्यों नहीं ख़रीदी तेल क्यों नहीं ख़रीदा वर्नासायल क्यों नहीं ख़रीदा जब उनकी कैपेसिटी का पता था वो जिम्मेदार थे लाखों रुपए वो तनख्वाएँ लाखों रुपए वो तनख्वाएँ लेते थे और प्राइवेट जो अदारे हैं जिन्होंने प्रोड्यूस करनी है प्राइवेट अदारे भी प्रोड्यूस करते हैं उन पर इंक्वायरी की जाए और ये जो आपने कागज़ मुझे दिया और मुझे आप तंबी कर रहे थे इफ्तार का भी पढ़ लिया करो तो मैंने इसको पढ़ लिया अच्छा बच्चा तो ये तो माजी की सारी बातें हैं यानी जो जिस कपास की फसल का तस्कर किया गया वो तो माजी में थे अभी तो कपास हम कल परसों काश करने जा रहे हैं उसमें आठ लाख गांठे तो माजी की स्टोरी है चावल अभी हम काश करने जा रहे हैं उसकी स्टोरी दी गई है अपना फिर इसमें स्टोरी है नहीं तो अब इस साल, साल नई ये कौन सा साल की बात कर रहे हैं अब तो हम नई कास्ट करने जा रहे हैं की बात ना, गंदम, है? गंदम की क्यों नहीं बताते वेर इज गंदम इन इट अगर पिछले साल की कहानी में मान लू नए चेयरमैन नए चेयरमैन की बात नहीं है देखो व्हेन आई स्पीक आई मस्ट स्पीक मेरे पास जो कागज है इसमें आपने तारीफ भरा कि उनकी ये अचीवमेंट है मैं मानता हूँ लेकिन गंदम का तस्कर क्यों नहीं किया इसलिए गंदम का तस्कर नहीं किया कि गंदम पैदावार कम हुई इसलिए नहीं गंदम का तस्कर किया कि वो हम टारगेट अचीव नहीं कर सके पिछले साल भी नहीं कर सके और इस साल भी अचीव करते हुए नजर नहीं आते और हमने ये बार से मंगवाई देखें असूल की बात करें तो अच्छी बात है बाकी यहाँ पैसे आ रहे हैं आने चाहिए गवर्नमेंट को चलना चाहिए जो लोग बड़े खुश होते हैं ना शबाज नाकाम हो जाएगा हमजा नाकाम हो जाएगा एक बात याद रखेगा वो तो नाकाम होंगे से होंगे नाकाम आप भी हो जाएंगे मुल्क हो जाएगा भूख भूख नंग आ, नहीं, नहीं, नहीं भूख और नंग आपको भी तंग करेगी उनके घरों में तो बहुत कुछ है उनके तो घरों में इतना पैसा है दौलत बकौल आपके पता नहीं चौबीस अरब रुपया उनका बाहर पड़ा हुआ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क मुझे पड़ेगा जब मुझे चीजें नहीं मिलेंगी तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं और इतने

उनके घरों में खड़ी एक गाड़ी की कीमत इतनी है जितनी मेरी दो नस्लों की कमाई क्यों जी जावेद साहब मेरी दो नस्लों की सेविंग उतनी <स्था> गाड़ियां उनके पागल हो गए क्योंकि अजीब बातें कर रहे हैं कह रहे हैं कि उनकी पोर्चों में खड़ी गाड़ियों की कीमत इतनी जो कुछ भी वो कह, जो भी वो कह रहे हैं आप सर तस्लीम करके माने जो भी जो भी कह कुछ इफ्तार साहब ने गुफ्तु की हकीकतन ऐसे ही है तो फिर मैं पागल वाली बात देखेंस बात यह है कि इफ्तार साहब ने जितनी तो गुफ्तु की उसमें बात समझने की ये है कि अगर इस मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा तो उसका 22 करोड़ अवाम पे इफेक्ट आएगा हर आम आदमी पे इफेक्ट आएगा ना कि उन लोगों पे जिनके घर आ रहे हैं उनके सिस्टम आ रहे है है। उनको नहीं फर्क पड़ता पॉइंट ये वो है कि जो हम अब इकोनॉमी की बात कर रहे थे देखें इस वक्त आपने ठीक बात की अड़तालीस अरब कलेक्शन हुई है 6000 टारगेट है आने वाले वक्त में ये सात तक जाएगा और यह हो भी जाएगी उसकी मल्टीपल रीजन है मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हुई है या डॉलर इतना इन्फ्लेट हुआ जिसकी वजह से ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बढ़ता गया कलेक्शन बढ़ गई तो इस हद हाँ तक पहुंच गया असल चीज़ क्या है असल चीज़ यह है इन्फ्लेशन महंगाई जो इस वक्त लास्ट ईयर भी साढ़े बारह तेरह चौदह पे फिरती रही और कॉन्सटेंटली साढ़े तीन साल यही हालात रहे इस हुकूमत के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसने महंगाई को कैसे कंट्रोल करना महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसको जो चीज़ चाहिए थी वो सऊदी अरब से उसे आठ अरब डॉलर मिल गया जिसमें जो अभी बात हो रही थी तीन अरब डॉ तीन अरब डॉलर पिछला भी है वो भी उन्होंने रिन्यू कर दिया है कि उसके अलावा पाँच अरब है पाकिस्तान ने दो अरब डॉलर के लिए तेल मांगा था पूरे साल उसके लिए वो भी हो गया मतलब ठीक हो गया आईएमएफ से भी ठीक हो गया इकोनॉमी एक का सोल्यूशन इवेंचुअली मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं ये नहीं है आपको अपने मुल्क की लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को दुरुस्त करना है तो आपको इन रिलो अस्सी रुपये होनी चाहिए या दो सौ रुपये होनी चाहिए आपने अगर, अगर अपने मुल्क को दुरुस्त करना है तो ये सोल्यूशन है आप लोगों के माए मांगे हुए पैसों से आप अपना पेट कब तक भरते रहेंगे आपको रेवेन्यू खुद कलेक्ट करना है रेवेन्यू जनरेट करना है और उसके लिए आपको इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी आपके पास आप कोई ऑप्शन यही जो पॉइंट है बिफोर आई ऑन द ब्रेक देखें आपको आई से भी मिल जाएगा वर्ल्ड बैंक से भी एडीबी एंड ऑफ कोर्स जो आपके दूसरे पैकेजेस द क्वेश्चन इज के वी गॉट द राइट इकोनॉमिक मैनेजर्स आप पैसे लेके आएंगे आप फर्नर ऑल सताईस है जो आपके जो पॉइंट्स है जिनके अंदर तेल ही नहीं है दैट इज़ द रीज़न आपका ये अब एक दो हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा फर्नेस ऑयल आ जाएगा ये पैसा लाएंगे पब्लिक शोर मचाती है भाई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है पब्लिक शोर मचाती है हम इसको नहीं कर सकते हैं उन्होंने पच्चीस हज़ार ऊपर किया जावेद ने बताया वो जो उनके मफ्ता साहब है वो कहते हैं जी फिर वो इंडस्ट्रियल शोर करते हैं तो फिर क्या इंडस्ट्रियज थोड़े से प्रॉफिट को कम करके आवाम की खिदमत नहीं कर सकते इस तरह इस पर भी हम और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू डी एन एम पर बात कर रहे हैं एंड आई टोटली विद विद्खार ने जो बात की है जब गवर्नमेंट कोई अपनी फिगर्स रिलीज़ करती है तो आपको पूरी फिगर्स रिलीज़ करनी चाहिए ताकि इसमें कोई एम्बिगटी ना हो बिल्कुल आपने सही Thank बात की है और पूरी करनी पूरी चाहिए पूरी वरना डिबेट कर जाती है अब जावेद मुझे आप बताइए कि हमें कितना एम्पेटिव है कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स देखो ना पैसा आपके पास पचास आ जाए करोड़ अरब तो मैनेजर्स चाहिए ना रन करने के लिए दुनिया ने जब भी तरक्की की है ना इकोनॉमिकली तो उसकी तरक्की के पीछे उसकी कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसीज होती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं फिर वो शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होती हैं चाहे आप वेस्ट को उठा लें अमेरिका को उठा लें आप जापान को उठा लें कोरिया को उठा लें चाइना को उठा लें कंसिस्टेंसी है बदकिस्मती हमारे पास क्या हमारे पास दोनों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत अच्छे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं बट पॉइंट ये continuity. है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं नहीं है नहीं है कंटिन्यूटी ऑफ़ द पॉलिसीज़ एक और दूसरा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में ये एक ऐसी चीज आ गई है कि पिछलों ने गंद किया हम ठीक करेंगे पिछड़ों ने किया हम ठीक करेंगे हमें ये पिछलों के गंद को अब खत्म करके आगे की जाना चाहिए शहबाज शरीफ वाली बात के हमें तमाम को मिल के एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी जी जितना तो मर्जी आप पैसा ले मर्जी करें लेकिन मई के अंदर जो जुलूस निकलेंगे जो जल से निकलेंगे पैदा की जाएगी मुल्क को एक दफा फिर एक टर्म आर् खड़ा कर दिया जाएगा इन हालात में अगर आपको तो है कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे तो हम सॉरी जब तक मुल्क के अंदर सियासी तौर के ऊपर स्टेबलिटी नहीं आती ये स्टेबल नहीं प्रोसेस चलता ये एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते एक दूसरे के को रिस्पेक्ट नहीं करते मैं नहीं समझता पैसे लाने के बावजूद हम कुछ आगे जाएंगे क्योंकि बखार देखिए गुजारिश यह है कि हम हमारी बदकस्मती है कि हम अपने माजी के मॉडल जो हैं उनको भी मेनटेन नहीं रख पाए मुझे अच्छी तरह से याद है कि जनूबी कोरिया ताइवान और मलेशिया इनके लोगों ने आके यहाँ से अगर आपको याद हो हमारे इकोनॉमिक प्लान्स लेके गए यहाँ से इकोनॉमिक प्लान और यहाँ तक कि उन्होंने कहा ये आप पाँच छह मनसूबा कैसे प्लान कर लेते हैं एडवांस में ये सब कुछ वो हमसे सीख के आज वो कहाँ खड़े हैं हम कहाँ खड़े हैं दूसरी बात ये कि एक ख़ास बात जो खान साहब ने कही मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसीज़ की आपने शायद जिक्र किया उसका नाइनटीन में मंडेला साहब यहाँ आए थे उन्होंने भी यही कहा था कि लेट द फेसिस बी चेंज्ड बट डोंट दो हज़ार छः में मलेशिया के मतिर मोहम्मद आए और उन्होंने भी यही कहा कि सियासत में चेहरे बदलते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आपकी पॉलिसीज की कॉन्टीटी नहीं टूटी है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता और यही दो वजूहत उनके मुल्कों की सक्सेस है जापान में इकनॉमिक कॉन्टी लेकिन लेकिन अगर हम सियासी चेहरों को बदलने के लिए मॉब को इस्तेमाल करेंगे पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है जो अपना स्टेट का जो स्टेट के जो अदारे हैं उनको किसी और काम में मसूख कर देंगे तो जिन मुल्कों के आप मिसाल दे रहे हैं वहां पर जो सियासी ढांचा है वो किसी और नईत का है हमारा सियासी ढांचा तो यह जिसके पास ज्यादा बंदे हैं एक एक, 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 एक ट्रक पे आदमी खड़े करे और ले जाए और जो तरक्की हो रही है जो में काम कर रहे हैं जो दे रहे हैं उसको वो छोड़ देंगे बेचारे वो अपने आप को बचाएंगे कि ये देखेंगे बिजली की कीमत सही आपका सारा प्रोमिस जो है वो इस पर है कि आने वाले वक्त में ये होने जा रहा है यस भाई साहब स्टेट आपसे ज्यादा स्टेट को कौन समझता है डू यू थिंक दे अलाउ दीज

पड़ेगी और दूसरा आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगर आपके पॉलिटिकली ये लड़ाई जंग फसाद सड़कें गर्म करना और जलसे जलूस और अफरा तफरी और एक दूसरे को गाली गलोच और एक दूसरे को अंदर करना चलता रहेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी देखें देखें और उस चीज़ को लाने के लिए को, तहत को, आप लेकर आपने जाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन यहाँ एक सिचुएशन आती है अभी इन्होंने बात की फंडामेंटल राइट की बिल्कुल फंडामेंटल राइट नो मैटर हु इट इज आज जो मैंने अभी प्रोलॉग में बात की जो कि स्टेट प्रॉपर्टी होती है वो आज कई इधारों में नहीं वापस की जा रही जो कर देनी चाहिए बाय लॉ अब अगर ये नहीं करते तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो क्या इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहा जाएगा ये तो ये कहेंगे देखे ना अब द क्वेश्चन I mean, uh, बा, अच्छा। मैं सिर्फ एक लाइन दूंगा ये फेयर नहीं अगर आप माजरत के साथ पिछली

लोग पाँच सौ लोग या पाँच हजार लोग वो उठे और स्टेट को चैलेंज कर दें कोई पूछने वाला ना हो मैं आपको दो तीन मिसालें कंक्रीट देता हूँ करंट उनके बस में होता है वो हुकूमत बनने देते आज है पंजाब में इनके बस में होता तो हमजा उठ लेता रिट रेट गवर्नमेंट की रिट नहीं चैलेंज हो सकती जितने बड़े इसको आप, आप आप, दूसरी तरफ ले जावेद साहब आई थिंक वो जो पीसीआर है ना वो शोर करता रहता है कि ब्रेक पे जाओ हम ब्रेक पे जाते हैं और आपकी बीस लाइने हमें बीस दोबारा सुनेंगे इसका हमारे साथ रहिए आप वेलकम बैक टू डी अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी पे और ईद के बाद क्या होगा अब बुखारी साहब सारे टूर्स आपने देखे हर चीज़ पहली बात तो यह है कि उनके पास चैलेंजेस तो बहुत हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है इट्स बर्निंग इट्स इट्स उसको कैसे है? पाकिस्तान ने अपने आप को बचाना भी है और साथ ही अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशों को किस तरह से पाकिस्तान मदद कर सकता है ये उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कश्मीर जिस इशू को मैं समझता हूँ दफन कर दिया गया नालायकी की वजह से उसको फिर से उजागर करना है एंड आई टेल यू मैं ये क्यों ऑप्टिमिस्ट हूँ मुझे नहीं पता इसका लेकिन मेरे ख्याल से बिलावल जहाँ भी जाके बात करेंगे चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हों चाहे वो दोस्त ममालिक हों चाहे वो सुपर पावर्स हों उनकी बात में बहुत असर होगा इसलिए कि उनके पूरे खानदान की एक हिस्ट्री है कश्मीर के हवाले से स्टार्टिंग विद स्टार्टिंगली दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो ईद के बाद होगा वो economy, वो इकानमी जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो भी बहुत बड़े चैलेंज हैं लेकिन एक बात मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि द वे ही ऑपरेट्स जो जिसका नाम शबाज़ शरीफ है शायद इसके अंदर से कोई अच्छा पहलू निकला है, शायद आवाम के मसाइल जो हैं वो किसी हद तक हल हो जाएं। सबसे बड़ा प्रेशर उनके ऊपर था पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का सी हाउ ही इज़ रिएक्टेड अगर यही रवैया उन्होंने अपनाए रखा कि अवाम को किसी न किसी शक्ल में रिलीफ मिलना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि ही विल अचीव इजेट अब इफ्तार साहब फॉरन पॉलिसी पर जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान का क्या हमारा क्या रवैया है कुछ नहीं हमारा रवैया यही है कोशिश करें कि बेहतर हो जाए उसके बाद में कहूँगा कि अम्बेसडरों को काम करना चाहिए उनको जाना चाहिए लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए नहीं करते बाकी रहा ये जो आपकी ख्याल होते हैं पानी का क्या पानी हमारा सर ये पानी का मसला तो बड़ा संगीन हो रहा है इस पर कभी देखें इस दफ़ा इतनी कमी पड़ी है पूरे के पूरे सबकॉन्टीनेंट के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो हीट वेव आई है वो कम बहुत खतरनाक है आज अगर आप देखें तो पी की पी की वार्निंग है फॉर द एरिया ऑफ सवा क्योंकि ग्लेशियर इस तेज़ी से पिघल पिघल रहे हैं yes. कि जो नॉर्मली नहीं होते नारायण के रस्ते में इतने बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल गए हैं तो वो वो तो एक और इशू एक इशू जो आपकी जो ख्वाहिशात हैं बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं आप अच्छे पाकिस्तानी हैं अच्छे मुसलमान हैं मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताली आपकी इन ख्वाहिशात को पूरा कर लेकिन डेड लाइन उनतीस मई तक की दी गई है एक पार्टी की तरफ से अगर उनतीस मई तक इलेक्शन की घटना दी गई तो फिर दम मश कल अंदर तो इन हालात में देख रहे आजम तारीख है तो दो तारीख तारीख पहली आज। पहली आज। पहली हाँ, दो. दो है तो सत्ताईस दिन आपके पास है अब इन सत्ताईस को तरक्की जाए सुपर पावर अट्ठाईस तरक्की की तरफ ले जाए बिजली के रेटों पर कंट्रोल कर लें लोगों को अकल सिखा दे बेहतरी की तरफ जाए उन्होंने तो डेड लाइन दे दी डेड लाइन देखिए जी हम सब चाहते हैं हर चीज लेकिन हमारा अपार्ट फ्रॉम द 1970 इलेक्शंस so, उस पे हो? भी दैट इज द पॉइंट सो द क्वेश्चन इज कि 1970 के इलेक्शंस के उस पे भी मारिंग आ रही है द क्वेश्चन इज कि हर इलेक्शन मार्ट कोई जीतता वो एक्सेप्ट नहीं होता हारता एक्सेप्ट नहीं होता so, आप इसी और तक जा रहे हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स के, 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 के बाद पहले हो जाएंगे डेडलाइन जो ये हुकूमत आई है इस हुकूमत का इनिशियल एजेंडा भी यही था कि हम पे महीने डेढ़ महीने में रिफॉर्म्स लाएंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से नैप कर रहे थे लेकिन अब उनकी पॉलिसी चेंज हो गई है अब वो टेन्योर कंप्लीट करना चाहते हैं पीटीआई पहले इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी अब वो करवाना चाहती है तो चीज़ें चेंज हो गई हैं अब जिस तरफ इफ्तार साहब इशारा कर रहे हैं मैं मुझे आने वाले वक्त में पोलिटिकली इंस्टेबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है मुझे यह नज़र आ रहा है कि इमरान खान आल आउट ये जाएगा उन्होंने नहीं मैंने किया था <laughs> आउट आउट जाएगा पे जा रहे। आल आउट जाएगा इस हुत को डिस्टेबलाइज करने के लिए और हुकूमत को इलेक्शन तक लाने के लिए लेकिन हुकूमत का एपिटाइट बहुत बड़ा होता है लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी स्टेट होती है वो ब्लिंक कर जाती है हकूमत शायद ब्लिंक ना करे लेकिन स्टेट ब्लिंग कर जाएगी इसलिए आने वाले तीस जो महीना डेढ़ महीना है इसमें पाकिस्तान के पोलिटिकली सिचुएशन या फ्यूचर का फैसला हो जाएगा अच्छा मैं एक बात बड़ा तो नहीं बनाएंगे नहीं बोले आप तो भी यंग रहे होंगे किसी जमाने में आपके पास भी मोटरसाइकिल होगी पुरानी किस्म आप भी सरसर निकाल के ईद की रात को बड़े मर्जे से मोटरसाइकिल चलाते थे अगर उस मोटरसाइकिल को चलाना उनके हाथ में झंडे पकड़ाने से इंकलाब आ सकता है तो फिर आज का इंतजार कीजिए किसी की फीलिंग है हम तो नहीं समझते ये ला रहे हैं है, है, कल, 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 कल कल आ, कल रात रात है आज नहीं समझतेवेद थैंक यू एंड कोर्स बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच देखें हर किस्म के आपके पास व्यू पॉइंट आएंगे आप शायद उनसे कहीं से एग्री करें ना करें इसी का उसको कहते हैं ये होती है जमहूरियत ये होती है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीज में कई तलख बातें होती हैं कई ऐसी बातें होती हैं कि जिसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें कहने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स इतने हैं और ये क्या है जी ये ये जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं ये बड़े हैं। इन्होंने बहुत बड़ा एक इफार ने एक मैसेज दिया है और जावेद ने भी दिया और मीनू बुखारी साहब ने दिया हमारा प्रोग्राम तो अब ईद के बाद आएगा तो प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले सारों की तरफ से एक गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक अगली जुमेरात को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और प्लीज़ जो मर्ज़ी करो स्टेट को ख़राब न करो खुदा के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान खुदाफिज